मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा भारत में स्वास्थ्य सेवा हील इन इंडिया दशक का बड़ा ब्रांड बन सकता है। रामगढ़ में सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक का दौरा, समीक्षा बैठक। सिंहभूम के दौरे पर केंद्रीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। रांची में कहा शिक्षा के क्षेत्र में भारत बनेगा विश्व गुरु। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लू जैसे हालात, पारा 40 के पार। जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ बदला मौसम का मिजाज। और जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन। लुधियाना ने दिल्ली को किया पराजित, फाइनल 1 मई को। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवा हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर आधारित आरोग्य केंद्र अत्यधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। पाछी पानी नहीं करे मारू गुजरात कोई भी पाछी पानी नहीं करे एवं मने पूरा विश्वास है। आप आटली मोटी संख्या में आप्या, आशीर्वाद आप्या, मान सम्मान करियो, हूं तो तमारा घर नो मानस छु, तमारी वच्चे मोटो थयेलो छु, घणु बधु तमारी पासे शीखीने आगळ गयो छु, मारा ऊपर तमारू अनेक गणु ऋण छे। अने एटला माटे जारे पण तमारू ऋण चुकवानो मौको मळे ने तो हूँ कोई दी मौको जतो नथी करतो अने मारा विस्तारनो ऋण चुकवानी कोशिश करता हूँ छु। हूँ फरी एक बार आदिवासी समाजना आजादीना सब लड़वैयाओने आदरपूर्वक श्रद्धांजलि आपू छू, एमने नमन करू छू। अने आवनारी पेढ़ी हवे भारत ने आगळ लई जवा माटे खबे खबे मिलावीने आगळ आवे एवी आप सौने शुभकामनाओ आपू छू। मारी साथे बोलिए भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक आज रामगढ़ के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने जिले में भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही वात्सल्य धाम का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने रामगढ़ जिले में आज जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 112 जिलों को आकांक्षित जिला घोषित किया है, उसमें रामगढ़ भी एक है। इन्हें प्राथमिकता के साथ विकसित करना है। का जो सपना है, हर हाथ में रोजगार देना, गरीब कल्याण करना, किसानों का आय दिगुना करना, महिला को हाथ में रोजगार देना, पूरा जो विषय है विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जो सपना दिखता है वो हमारी सपना ही उन्होंने दिखता है। अपने दौरे के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई और आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना के बाबत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर हाथ को रोजगार देने, गरीबों का कल्याण करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आकांक्षी जिला में शामिल रामगढ़ के कई कार्यों को मानकों पर खरा बताया। ताकि माननीय प्रधानमंत्री का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सबको सुविधा हम खुद लेंगे, दूसरों को भी लेने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो रामगढ़ अच्छी स्थिति में है, आगे चल के और भी अच्छा स्थिति में आने वाले हैं। राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने इस दौरान जिले के वात्सल्य धाम में अनाथ बच्चों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल पूछा और उनके बीच मिठाई तथा फल भी बांटे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह आकांक्षी जिला सिंहभूम के दौरे पर हैं।
सिंहभूम जाने से पूर्व रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कहा कि लोगों के विकास के लिए संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित कराना ही केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह की यह पहली झारखंड यात्रा है। उन्होंने राज्य में स्कूली छात्र छात्राओं की बढ़ती ड्रॉपआउट संख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविद्यालय थे, जहां देश विदेश के 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आज फिर भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज के तहत हमारे देश के निकटवर्ती जितने भी देश हैं, उनके साथ राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। और सब पार्टी को भी मेरे ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए, और जी की सरकार प्रजा के लिए है और सब सुविधा तो लास्ट माइल तक पहुंचने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चयनित आकांक्षी जिला में सिंहभूम भी एक है, जिसे प्राथमिकता के साथ विकसित करना है। विकास कार्यों का जायजा लेने की जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों पर सौंपी गई है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राजधानी रांची के संत जेवियर्स कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य एवं खुशी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्ष विक्रम जायसवाल ने राजनीति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। इस अवसर पर छात्रों के अलावा प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित थे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है। इस चरण के लिए कल राज्य में 2,192 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में नामांकन दाखिल किया गया। जिले में कुल 293 उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया, जबकि मुखिया के लिए 83 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के संबंध में आज धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने द्वितीय चरण की सूचना प्रपत्र 5 निर्गत की तथा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय चरण में बाघमारा व धनबाद में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि एनआई एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की तिथि को छोड़कर नामांकन की तिथि 21 से 27 अप्रैल तक दिन के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक तथा 28 से 30 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इधर बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि दूसरे चरण में जिले के कसमार, बेरमो एवं जरीडीह प्रखंड के कुल 593 मतदान केंद्रों पर कुल 2,25,780 मतदाता कसमार, 74,748 बेरमो एवं 81,614 मतदाता जरीडीह में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है और प्रत्याशियों को उसका हर हाल में पालन करना होगा। अभ्यर्थियों के खर्च की सतत निगरानी को लेकर प्रशासन द्वारा सभी ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने रातू रोड स्थित निर्वाचन आयोग में निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2067 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 1547 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 12,340 हो गए हैं। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 0.49% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 नए संक्रमितों की पहचान की गई, इनमें रांची से 3 और धनबाद से 1 संक्रमित की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक इस दौरान 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 14 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,90,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक कुल 192.27 करोड़ खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें 20.33 करोड़ टीके की खुराक अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद है। जिले के विभिन्न स्थानों पर जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा खोले गए एल्डर क्लब का लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई और चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। इस पहल की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है और उन लोगों ने अपेक्षा भी की है कि ऐसे कैंपों के माध्यम से आगे भी लोगों का स्वास्थ्य जांच चलता रहे। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग के निशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास का प्रतिफल भी नजर आने लगा है। साल 2021 में आकांक्षा से कोचिंग प्राप्त कर जेईई एडवांस में 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन आईआईटी में, 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन बीआईटी में और एम्स में 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। सरकार के इस योजना के तहत अब तक 269 स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग और 280 स्टूडेंट्स ने मेडिकल की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग ली है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर की उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से आज जिला अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा ने मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैच लगाया। इस अवसर पर उपायुक्त ने अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की तथा अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीकों के लिए आम लोगों को जागरूक करने की बात कही। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का आज विधायक मंगल कालिंदी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सफाई कर्मियों ने विधायक के समक्ष अपने वेतन और अन्य समस्याओं से संबंधित मांग रखी। टाटा नगर से चलकर बादाम पहाड़ जाने वाली सबसे पुरानी लाइन में विद्युतीकरण हो जाने के बाद आज इलेक्ट्रिक इंजन एमयू लोकल को सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक मंगल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना किया। जमशेदपुर के सिखों की संस्था जागदी जमीन वाले की ओर से आगामी 24 अप्रैल को साक्षी गुरुद्वारा में गुरुमत समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सुबेग सिंह शाहबाज के शहादत दिवस को समर्पित होगा। साहिबगंज जिले में देर रात एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला ओपी थाना क्षेत्र के मदन शाही इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के पुण्यतिथि पर पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने सिंगरा गांव पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया। मौके पर शहीद के पिता जितेंद्र शुक्ला सहित संतोष शुक्ला, अशोक शुक्ला, उमेश शुक्ला, लव शुक्ला के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। हजारीबाग के गिद्दे थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया है। पोकलेन मशीन दत्तो दामोदर नदी से अवैध रूप से बालू उठाव का काम कर रही थी। घटना की सूचना गिद्दी थाने में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है।
रामगढ़ के गद्दी थाना क्षेत्र दत्तों में दामोदर नदी में चल रहे बालू घाट पर अपराधियों ने बीती रात धावा बोलकर पोकलेन मशीन में आग लगा दी और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। कामगारों के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन के लिए गुमला में आज सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुभारंभ जिले के श्रम अधीक्षक ने किया। इसके जरिए गुमला के अंदर अंतर्राज्यीय प्रवासियों और उनके परिवारों की पहचान करने की दिशा में काम करेंगे ताकि ऐसे श्रमिकों एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में SRMI पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है। इन तीन जिलों में दिल्ली, केरल और लेह लद्दाख में रोजगार के लिए गए प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। कही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। राज्यपाल रमेश बैसी आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने रांची स्थित राजभवन में भेंट की। यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी भी मौजूद थे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लू जैसे हालात हैं। राज्य के विभिन्न जिलों का पारा 40 के पार पहुंच गया है और लोग इससे हलकान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 21 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की संभावना है। इधर आज जमशेदपुर में आंधी के साथ बारिश से राहत मिली है। आज से जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी एकेडमी ग्राउंड में हॉकी इंडिया जूनियर एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई। इस चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निगोम्बम ने किया। चैंपियनशिप का उद्घाटन मैच नामधारी एकेडमी लुधियाना और जय भारत दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जिसमें लुधियाना ने दिल्ली की टीम को 1-12 गोल से पराजित कर दिया। नेशनल चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन मैच आज नामधारी एकेडमी लुधियाना और जय भारत दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जिसमें लुधियाना ने दिल्ली की टीम को 12-1 से पराजित कर दिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निगोम्बम ने कहा कि 2024 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का लक्ष्य है। हॉकी के एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया तो लगातार उसके काम करके ना हमारा लोस्ट ग्लोरी जो है 2024 पेरिस ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल लेने का उसकी पास एंड। वहीं झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा कि राज्य की लड़कियां हॉकी में हमेशा अच्छा करती रही हैं। उन्होंने कहा कि संघ अब लड़कों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यही वजह है कि पुरुष हॉकी टीम पहली बार सीनियर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई है, वहीं सब जूनियर में भी गोल्ड मेडल जीता है। धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं और मेरा मेन फोकस लड़कों पर है। लड़कों को लड़की मेरी बहुत ठीक है, सभी हमारी झारखंड की बेटी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है।
अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छे टीम में ओलंपिक चले गए, मगर है कि हमको उस मुकाम पर अब लड़कों को भी पहुंचाना है। नवल टाटा हॉकी एकेडमी के CEO आशीष कुमार ने बताया कि यह एक नेशनल टूर्नामेंट है, इसमें देश भर से 30 टीमें भाग ले रही हैं। 1 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा। ये सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर अकेडमी नेशनल चैंपियनशिप है। तो जैसा आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हॉकी के कई अकेडमीज हैं, तो उन सारे अकेडमीज के लिए ये नेशनल टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश से 30 टीमें अभी यहाँ हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच के दौरान हॉकी टीम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रो एवं झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर से डॉ राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जल पुरुष राजेंद्र सिंह साहिबगंज के 2 दिवसीय दौरे पर राजमहल पहुंचे। उन्होंने गंगा की स्वच्छता एवं अविरलता पर बल देते हुए कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। जगह पर गिरावट है क्योंकि यहाँ पानी है और कई बार प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है और आबादी कम है, तो आबादी की जो गंदगी है वो इतने बड़े समुद्र में वो ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालती। तो यहाँ तो पानी है पर वो पानी ना तो अब हरिद्वार में कम हो रहा है, उसके नीचे तो कानपुर में आगे तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने अपने संवाद भोजपुरी में दिया और कहा कि हम इसके जल को दूषित कर रहे हैं जो इसकी अविरल धारा को बाधित कर रहा है। पलामू पुलिस ने शीर्ष TSPC नक्सली कमांडर आक्रमण गंजू और शशिकांत के घर पर पोस्टर चिपकाकर आत्मसमर्पण की अपील की। इधर पुलिस ने जिले के छत्तरपुर थाना अंतर्गत विभिन्न गांव में और नक्सली अभिजीत के घर में भी आत्मसमर्पण नीति से संबंधित पोस्टर चिपकाया। गुमला पुलिस ने कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कटवा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक मकान से 2 भरठुआ एक नाली बंदूक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने बताया कि पुलिस के आने की खबर लगते ही अभियुक्त बहुरा उरांव जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। अभियुक्त बहुरा पर हत्या का मामला नामजद है। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुरुमगढ़ थाना में एक और प्राथमिकी दर्ज की है। आजादी का सफर के आज की कड़ी में हम प्रख्यात बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष, इंडियन नेशनल आर्मी के पृथ्वी सिंह और शहीद मंगरा भगत को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ विख्यात बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1960 में आज के ही दिन हुआ था। बारिसाल में अपनी युवावस्था में पन्ना लाल स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे। अपने संगीत सफर के शुरुआती चरण में वे गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसी हस्तियों के संपर्क में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जगाई। महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य पन्ना लाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को मंच प्रस्तुति में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वे भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के प्रणेता माने जाते हैं। पन्ना लाल का जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था। पन्ना लाल आरंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली और लगनशील थे और विभिन्न स्रोतों से संगीत को आत्मसात करते थे। 1928 में पन्ना लाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने जिम्नेशियम ज्वाइन किया और मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और स्टिक फाइटिंग सीखी। जैसे जैसे वे स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक जुड़ते गए, सरकार ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। उन्हें भागकर कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के मित्र और रिश्तेदार अनिल बिस्वास भी अपने राजनीतिक झुकाव के चलते कोलकाता आ गए।
कोलकाता में पन्ना लाल को अपना संगीत कौशल और निखारने का मौका मिला और उन्होंने कई संगीत प्रस्तुतियों में भी सहयोग किया। 1940 में अपने संगीत करियर को और विस्तार देने के लिए वे मुंबई आ गए। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में काम शुरू किया और कुछ लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। आकाशवाणी से नियमित रूप से प्रसारण और समूचे भारत में संगीत उत्सवों में प्रस्तुति से भी उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। एक सच्चे देशभक्त के रूप में पन्नालाल घोष ने 1951 की राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए उत्प्रेरित कर देने वाली रचनाएं और बांसुरी की तान में पिरोया पार्श्व संगीत दिया। इस फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक फुटेज ली गई थी। फिल्म के कथानक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के भाषण और बातचीत भी शामिल। पन्नालाल घोष की संगीत विरासत आज भी उनके अनेक शिष्यों में देखी जा सकती है। इस महान राष्ट्रवादी और संगीत विभूति पन्नालाल घोष को हमारा सादर नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के पृथ्वी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में तैनात पृथ्वी सिंह को 1942 में सिंगापुर में जापानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च 1942 को वे स्वेच्छा से इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और बर्मा में मित्र देशों की सेना के खिलाफ लड़े। 1944 में बर्मा में युद्ध भूमि में लड़ते हुए ही वे शहीद हो गए। आज हम शहीद मंगरा भगत को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने रांची में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर 15 सितंबर 1942 को पटना कैंप जेल में भेज दिया गया। कारागार में ही 20 अप्रैल 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम शहीद अहमद यार खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। खान उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में तहसीलदार थे। स्वतंत्रता सेनानियों की सरकार में जलालाबाद के नाजिम के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनकारियों की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया और 20 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News Jharkhand और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा भारत में स्वास्थ्य सेवा हील इन इंडिया दशक का बड़ा ब्रांड बन सकता है। रामगढ़ में सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक का दौरा की समीक्षा बैठक। सिंहभूम के दौरे पर केंद्रीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह रांची में कहा शिक्षा के क्षेत्र में भारत बनेगा विश्व गुरु। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लू जैसे हालात, पारा 40 के पार, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ बदला मौसम का मिजाज। और जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन, लुधियाना ने दिल्ली को किया पराजित, फाइनल 1 मई को।